नाम सचिन गावड़े है, सचिन विलास गावड़े। मैं घाटकोपर यार टिपिंग का काम करता हूँ। और 2015 में हमको सुभाष तलेकर, विठल सावंत, दशरथ केदारी, ये लोग इधर आए थे। इन्होंने फॉर्म वगैरह भर के हमको मुफ्त मोपेड देंगे ऐसा बोल के हमारे पास से फॉर्म वगैरह भरवा के लिए। उसके बाद में ना हमने फॉर्म भरने के बाद में ना हमको बोले गाड़ी मिलेगी, ऐसा होएगा वैसा होएगा। उसके बाद में हमने एक दो महीने जाने के बाद में हमको ऐसा पता चला हमको गाड़ी बेड़ी कुछ मिला नहीं है। और बाद में हमको है ना पीढ़ी का लेटर आया एक साल के बाद में, और उसके ऊपर है ना कर्जा का बोझा था। और उसके बाद में हमको तो गाड़ी मिली नहीं। उसके बाद में हमने ना इधर हमारे मंडल से विनंती करके हमने दादर पुलिस स्टेशन पे ना केस दाखिल किया था। उसके बाद में वाशी गया, वाशी के बाद में इधर घाटकोपर पुलिस थाने में इधर हमारा केस दर्ज हुआ। और इधर अभी वो लोगों को सुभाष तेलेकर को अभी ना घाटकोपर पुलिस थाने या अटक हुई है। और इधर हमें ना चव्हाण साहब का ना धन्यवाद मानते। ये जो मुंबई जीवन डब्बे वाहतूक मंडल है, ये वर्ल्ड में एक फेमस मंडल है, उनमें से एक है। एंड उनके जो पदाधिकारी थे उस टाइम के प्रवक्ता सुभाष गंगाराम तळेकर, इनको अभी हमने अरेस्ट किया है। इन्होंने क्या किया था, जो घाटकोपर में जो मीटिंग हुआ था उसमें अपने मंडल के सदस्य लोगों को फ्री में टीवीएस मोपेड देते ऐसा झूठा बोल के उनसे फॉर्म भरवा के लिया। और भैरवनाथ संस्था जो वाशिम में है उनसे कर्ज मंजूर करके उनको सभी लोगों को गाड़ी न देते हुए कुछ लोगों को गाड़ी दिया, उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया और 22 लोगों को गाड़ी ही नहीं दिया ऐसा बोल के चीटिंग किया और क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट किया। इसके वजह से जो मंडल के सदस्य इन्होंने जो कंप्लेंट किया था उनकी वजह से घाटकोपर पुलिस स्टेशन में 4 फरवरी 2020 को ये क्राइम रजिस्टर हुआ और उसके इन्वेस्टिगेशन में सुभाष गंगाराम तळेकर इनको आज अरेस्ट किया है।